पहला नंबर है एंटार्क्टिक डेजर्ट। करीब 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये बर्फीला डेजर्ट आपको चौंका सकता है। ठंडे तापमान के बावजूद कम बारिश की वजह से इसे डेजर्ट माना जाता है। अगला है आर्कटिक डेजर्ट। अपने दक्षिणी हिस्से की तरह आर्कटिक डेजर्ट भी लगभग 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये एक ठंडा बंजर इलाका है जहां जीवन बहुत कम है और माहौल बहुत कठिन। अब थोड़ा गर्मागर्म करते हैं सहारा के साथ। उत्तर अफ्रीका का ये मशहूर डेजर्ट तकरीबन 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये अपने विशाल रेत के टीलों, तपती धूप और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अरेबियन डेजर्ट। 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये डेजर्ट अपनी तेज गर्मी और सूखे लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है। यही है रब अल खाली, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लगातार रेतीले डेजर्ट्स में से एक है। हमारी लिस्ट में अगला है गोबी डेजर्ट। 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया तक जाता है। ये एक ठंडा डेजर्ट है जो अपनी कड़ाके की सर्दियों और अनोखी चट्टानों के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं कलाहारी डेजर्ट। 900,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये डेजर्ट बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। सूखी परिस्थितियों के बावजूद कलाहारी काफी वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। अगला है पैटागोनियन डेजर्ट। दक्षिण अमेरिका का ये डेजर्ट लगभग 620,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये एक ठंडा डेजर्ट है जिसे चट्टानी इलाके और तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की ओर बढ़ते हैं। लगभग 647,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये डेजर्ट अपने लाल रेत के टीलों और विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं सीरियन डेजर्ट। करीब 500,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये डेजर्ट एक कठोर सूखा इलाका है जो सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। और अंत में ग्रेट बेसिन डेजर्ट। उत्तर अमेरिका का ये डेजर्ट लगभग 492,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये अपने अनोखे बेसिन एंड रेंज टोपोग्राफी और विविध इकोसिस्टम्स के लिए जाना जाता है। तो बस हो गया दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े डेजर्ट। हर एक अपने आप में अनोखा है और अपने रहस्य समेटे हुए है। आप कौन सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे नीचे कॉमेंट